हमने शुरुआत नहीं, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री बनते ही एक हफ्ते के अंदर हमने पहला जो प्रयास किया था, मैं मुख्यमंत्री निवास में नहीं गया था, हमने NH-74 में जो घोटाला हुआ था हमने सबसे पहले उसको उजागर किया। उसमें 5-6 हमारे PCS ऑफिसर नपे, 2 IAS ऑफिसर पर हमने कार्रवाई करी और ऐसे अनेक लोग उस पर कार्यवाही हुई और अभी भी कार्यवाही उस पर जारी है, वसूली भी जारी है। हमने उस पर किसी को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो। मैंने कहा कि हम इसको धर्म युद्ध की तरह लड़ेंगे। हमने वो लड़ाई अपनी हमारी जारी उस दिन हुई और जब तक रहेंगे तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये मैं आज माँ गंगा के तट पर आप सबको बताना चाहता हूँ।